एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के एक और इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट के बारे में, जिसका एम है टू डिटरमाइन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए फ्लाई व्हील अबाउट इट्स ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो हमें फ्लाई व्हील का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन करना है। तो फ्लाई व्हील एक ऐसी बॉडी होती है जिसका मोस्ट ऑफ द मास उसके रिंग पे कंसेंट्रेटेड होता है। इस रिंग के सेंटर ऑफ मास से हम एक रॉड पास करवाएंगे, जिसके दोनों एंड्स को हम बॉल बियरिंग से अटैच कर देंगे, ताकि ये जो है फ्रीली रोटेट कर सके अबाउट इट्स एक्सिस। तो अब हम बात करते हैं अपरेटस जो हमें रिक्वायर्ड है इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। फर्स्ट वन इज अ फ्लाई व्हील माउंटेड इन लेबोरेटरी। ये फ्लाई व्हील है हमारा। अ सेट ऑफ स्लॉटेड वेट्स एंड हैंगर। ये हमारे पास स्लॉटेड वेट्स हैं और ये हैंगर है। ये जो वेट्स हैं हमारे पास, ईच हैज अ मास ऑफ 50 ग्राम। अगर हम इन सबको रिमूव करते हैं तो जो हैंगर का मास बचेगा अकेले का, दैट इज ऑल्सो 50 ग्राम। तो जो इस हैंगर का वेट है दैट इज ऑल्सो 50 ग्राम, और हर एक वेट हमारे पास जो है दैट इज ऑल्सो 50 ग्राम। नेक्स्ट वन इज अ स्टॉप वॉच। उसके बाद हमें चाहिए वर्नियर कैलिपर। तो ये है हमारा वर्नियर कैलिपर, आप बहुत ही फेमिलियर हैं इससे। ये हमारी इस एक्सल की रेडियस निकालने के लिए काम आएगा। नेक्स्ट वन इज अ मीटर स्केल। ये हमारे पास एक मीटर स्केल है। और एक चाहिए होगा हमें अ स्ट्रॉन्ग बट थिन कॉर्ड, यानी कि एक थ्रेड टाइप कॉर्ड चाहिए हमें। ये स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए बट इट शुड बी एज थिन एज पॉसिबल। इसकी हेल्प से हम अपने वेट्स को सस्पेंड करेंगे। आइए देखते हैं जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए वो क्या होगा। वो होगा आई इज इक्वल टू, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू एम जी आर एन वन टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई n2 इंटू एन वन प्लस एन टू माइनस एम आर स्क्वायर एन टू अपॉन एन वन प्लस एन टू। अगर हम यहाँ पे एलसीएम ले लें तो ये बन जाएगा I इज इक्वल टू एम जी आर एन वन टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई n2 इंटू एन वन प्लस एन टू, जहाँ पे I जो आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस फ्लाई व्हील का, R जो होगी आपकी रेडियस ऑफ एक्सल होगी इस एक्सल की रेडियस जो हम वर्नियर कैलिपर की हेल्प से डिटरमाइन करेंगे, M होगा मास अटैच टू द कॉर्ड, कॉर्ड यानी कि आपका ये जो थ्रेड है इसके साथ जो हम मास सस्पेंड करेंगे इस हैंगर की हेल्प से, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ M। N1 आपका होगा नंबर ऑफ revolutions ऑफ कॉर्ड वाउंड ऑन द एक्सल। जितने हम इस एक्सल के ऊपर जो है ये थ्रेड को वाउंड करेंगे, यानी कि इसको लपेटेंगे, तो जब जितने हम इसको वाउंड्स प्रोवाइड करेंगे तो उतनी हमारी N1 की वैल्यू होगी। N2 विल बी द नंबर ऑफ revolutions मेड बाय व्हील आफ्टर डिटैचिंग ऑफ मास। वो हम बाद में बताएंगे आपको कि N2 हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। T will be the time to complete N2 vibrations. N2 number of revolutions complete करने के लिए जितना time हमारे पास आएगा with the help of stopwatch हम determine कर लेंगे। तो अब हम बात करते हैं observations के बारे में। तो पहला observation table जो हमारा बनेगा वो होगा to determine the radius of axle. तो वो हम determine करेंगे with the help of this vernier caliper. इस vernier caliper का जो हमारे पास least count है that is 0.01 cm। तो अब हम इसकी जो एक्सल है फ्लाई व्हील की उसका हम रेडियस डिटरमाइन करेंगे। तो हम पहले इसकी हेल्प से डायमीटर फाइंड कर लेंगे और फिर उसका हाफ करके हमारे पास रेडियस आ जाएगी। तो ये हमारी जो है ये एक्सल है ऑफ दिस फ्लाई व्हील। तो हम इस वर्नियर कैलिपर को इसके जॉज को इसमें फिट कर देंगे। अब हम यहाँ से रीडिंग्स नोट करेंगे। आप देख सकते हैं मेन स्केल और वर्नियर स्केल की जो रीडिंग्स हैं, आप रीडिंग्स नोट करेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे मेन स्केल की जो रीडिंग आएगी आपकी, आप देख सकते हैं जो वर्नियर स्केल की जो जीरो वाली डिवीज़न है वो यहाँ पे 2 को क्रॉस कर चुकी है। तो आप यहाँ पे मेन स्केल की जो रीडिंग आएगी वो आएगी आपकी 2.0, और वर्नियर स्केल की रीडिंग आप इसमें ऐड करेंगे वो रीडिंग क्या होगी आपकी, आपको बेस्ट मैच देखना है यहाँ पे कौन सी डिवीजन आपस में बेस्ट कोइंसाइड कर रही हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5th डिवीज़न जो है वर्नियर स्केल की वो बेस्ट कोइंसाइड कर रही है मेन स्केल के डिवीज़न के साथ। तो जो वर्नियर स्केल रीडिंग आएगी वो आपकी आएगी 5 × 0.01।
तो आपकी जो टोटल रीडिंग आएगी दैट इज 2.0 प्लस 5 इंटू 0.01 दैट इज 2.5 सेंटीमीटर। तो जो यहाँ पे 2 आपकी थी दैट इज मेन स्केल रीडिंग, 5 जो था आपका वो थी वर्नियर स्केल रीडिंग, और ये 0.01 आपका लीस्ट काउंट था इस वर्नियर कैलिपर का। तो आपकी टोटल रीडिंग जो आई है फॉर द डायमीटर ऑफ एक्सल ऑफ फ्लाई व्हील दैट इज 2.5 सेंटीमीटर। तो हम नेक्स्ट रीडिंग के लिए, पहले आपने यहाँ पे वर्नियर स्केल वर्नियर कैलिपर को इंसर्ट किया था, अब इसको आप थोड़ा दूर यहाँ पे इंसर्ट कर लीजिए। तो यहाँ से जब आप रीडिंग फाइंड करेंगे तो सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। तो आपकी जो रीडिंग आएगी दैट विल बी 2 प्लस 6 इंटू 0.01 दैट इज 2.06 सेंटीमीटर। आपको एक बात का ध्यान देना है यहाँ पर कि आपकी जो मेन स्केल की रीडिंग है दैट विल बी सेम, आपकी जो वर्नियर स्केल की जो बेस्ट मैच वाली डिवीज़न है उसमें थोड़ा अंतर आ सकता है। अगर नहीं भी आए तो बहुत अच्छी बात है, अगर आ रहा है तो आप उसका मीन लेके उसको करेक्ट कर सकते हैं। अब हमने एक डायरेक्शन में इसकी डायमीटर फाइंड कर लिया, अब हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डायमीटर फाइंड करेंगे। उसके लिए आप दूसरी साइड पे एक्सेल की जो है वर्नियर कैलिपर को इंसर्ट करेंगे। तो वही सेम प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे और आपकी जो रीडिंग्स आएंगी वो आ रही हैं 2.04, और जब आप दूसरे थोड़ी उससे अलग जगह पे रीडिंग लेंगे तो आपकी आएगी 2.05 सेंटीमीटर। अब आप कॉरस्पॉन्डिंग रीडिंग्स का मीन ले लीजिए। तो हमने जब मीन निकालेंगे इसका 2.05 एंड 2.04 का, यानी कि 2.05 प्लस 2.04 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास आएगा 2.045 सेंटीमीटर। और ऐसे ही आप सेकंड सेट के लिए जब आप मीन निकालेंगे, यानी कि 2.06 प्लस 2.05 डिवाइडेड बाय 2 दैट विल बी इक्वल टू 2.055 सेंटीमीटर। क्योंकि हमारा जो ये वर्नियर कैलिपर है इसमें कोई एरर नहीं था, तो आपका जो करेक्टेड डायमीटर है दैट विल बी इक्वल टू योर मीन डायमीटर। तो करेक्टेड डायमीटर वाले कॉलम में आप यही वाली रीडिंग्स दोबारा लिख देंगे और फिर इन दोनों रीडिंग्स का आप मीन निकालेंगे। 2.045 और 2.055 का मीन जब आप निकालेंगे तो आपके पास आएगा 2.05 सेंटीमीटर। तो ये आपका मीन डायमीटर आ चुका है। इसका रेडियस निकालने के लिए आप इसका हाफ कर देंगे तो आपका जो रेडियस आएगा यानी कि स्मॉल आर दैट विल बी इक्वल टू 1.025 सेंटीमीटर। तो हमारा पहला ऑब्जर्वेशन टेबल कंप्लीट हो चुका है जिसमें हमने रेडियस निकाल ली एक्सेल की। अब हम बात करेंगे अगले टेबल के बारे में जिसमें हम निकालेंगे N1, N2 और स्मॉल t। तो इस टेबल को बनाने से पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी एक टर्म की जो है सरकमफ्रेंस ऑफ द व्हील। जो ये आपका व्हील है इसके सरकमफ्रेंस को आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो वो डिटरमाइन करने के लिए अब हम देखेंगे कि उसको कैसे निकालेंगे। तो सरकमफ्रेंस डिटरमाइन करने के लिए आप इसके ऊपर ये जो थ्रेड है इसको वाउंड करेंगे और फिर उसको मीटर स्केल पे रख के उसकी रीडिंग नोट करेंगे। तो आपको एक मार्क यहाँ पे दिख रहा है आपके फ्लाई व्हील के रिंग के ऊपर, ये मार्क गिवन होगा। तो आप इस मार्क पे थ्रेड को रखेंगे और यहाँ से इसको वाउंड करना शुरू करेंगे। वापस से उसी मार्क तक। तो अब आप यहाँ से तो आप एक रेवोल्यूशन देंगे इस थ्रेड को इस रिंग के ऊपर। तो जहाँ जिस मार्क से आपने स्टार्ट किया था उसी मार्क पे आपने टर्मिनेट करना है। अब इस थ्रेड की आपको लेंथ मेज़र करनी है जितना आपने यहाँ से इस मार्क से शुरू करके इसी मार्क तक टर्मिनेट किया है, उतनी लेंथ आपको मेज़र करनी है विद द हेल्प ऑफ मीटर स्केल। तो मैंने इसको एक एंड से होल्ड कर लिया है, अब इसको हम यहाँ से निकाल देंगे। तो इसको आप यहाँ से निकाल लेंगे। तो हम अब इसकी लेंथ को मेज़र करेंगे इसको थ्रेड को मीटर स्केल पे रख के। तो जब हम इसको मेज़र करेंगे तो हमारे पास जो इस थ्रेड की लेंथ आई है दैट इज़ 62.5 सेंटीमीटर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 62.5 सेंटीमीटर पे मैंने फिंगर रखी है। तो आपके व्हील का सरकमफ्रेंस आ चुका है दैट इज़ एक्स इज इक्वल टू 62.5 सेंटीमीटर। तो अब हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल के बारे में। तो पहला कॉलम जो है आपका वो होगा टोटल मास अप्लाइड। जो ये हैंगर है आपका इसमें आप कितना मास सस्पेंड करेंगे। ये जो हैंगर का खुद का वेट है दैट इज़ 50 ग्राम। तो अब इसमें हम जब स्लॉटेड वेट्स ऐड करेंगे जिसका एक का वेट है 50 ग्राम, तो हमारे फर्स्ट केस में जो वेट हो जाएगा इसमें वो होगा 100 ग्राम टोटल।
तो ये 100 ग्राम वेट अब इसमें हो चुका है। ये जो आपका हैंगर का हुक है इसमें आपको एक थ्रेड टाई करना पड़ेगा, तो इस थ्रेड की जो लेंथ होनी चाहिए वो इतनी होनी चाहिए कि हम यहाँ पे 10 टर्न्स प्रोवाइड कर सकें। अब सेकंड कॉलम जो होगा हमारा वो होगा नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड बाय द कॉर्ड ऑन एक्सल N1, यानी कि N1 की जो वैल्यू होगी। तो हम ये हर केस में कांस्टेंट रखेंगे, हम इसको 10 मान के चलेंगे क्योंकि हम 10 टर्न्स प्रोवाइड करेंगे इस थ्रेड के। तो अब हम टर्न्स कैसे प्रोवाइड करने हैं वो देखते हैं। यहाँ पे तो टर्न्स प्रोवाइड करते वक्त आपको एक बात का ध्यान देना है कि ये जो हैंगर आपका ये फ्लाईव्हील से ज़्यादा नीचे ना हो। अब आप टर्न्स प्रोवाइड करेंगे तो आप एक टर्न प्रोवाइड कर चुके हैं, अब ये आपका सेकंड टर्न हो जाएगा। तो टर्न्स प्रोवाइड करते हो आपको ध्यान देना है कि ये ओवरलैप नहीं करने चाहिए, ये अलग अलग टर्न्स दिखने चाहिए। ये आपका थर्ड टर्न आ गया, ये आपका फोर्थ टर्न आ गया। ऐसे करते करते आपको 10 टर्न्स कंप्लीट करने हैं। अब हमारे 10 टर्न्स कंप्लीट हो चुके हैं तो ये मार्क आपके बिल्कुल नज़रों के सामने होना चाहिए। तो अब आपको 10 टर्न्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, दैट इज़ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो आपको देखना है कि यहाँ पे गैप होना चाहिए इन टर्न्स के बीच में, ओवरलैप नहीं करने चाहिए। तो बात करते हैं नेक्स्ट कॉलम की, उसमें आप देख सकते हैं कि लिखा गया है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड बाय द व्हील आफ्टर डिटैचमेंट ऑफ मास, यानी कि ये जो मास हमने हैंग किया हुआ है जब ये इससे डिटैच होगा तब हमें नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस काउंट करने शुरू करने हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको फ्रीली सस्पेंड कर देंगे, छोड़ देंगे, तो ये रेवोल्यूशन करना शुरू हो जाएगा। तो जब ये इससे डिटैच हो जाएगा मास कम्प्लीटली तो तब हम नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस काउंट करने शुरू कर देंगे। तो जब ये मास ज़मीन से टकराएगा जैसे ही आपको साउंड आएगी तभी आपने स्टॉपवॉच ऑन कर देनी है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे काउंट करेंगे। रेफरेंस मार्क आपको ये लेके चलना है, तो मैं इसको फ्रीली सस्पेंड कर रहा हूँ, अभी घूमना शुरू हो चुका है। जैसे ही नीचे गिरेगा आपको जैसी साउंड आएगी आपको रेवोल्यूशंस काउंट करने शुरू कर देने हैं और स्टॉपवॉच भी ऑन कर देनी है। तो अब आपको साउंड आ चुकी है, तो हमने साथ ही स्टॉपवॉच ऑन कर दी है। अब आपको नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस काउंट करने शुरू कर देने हैं साथ ही, 1, 2, इस तरीके से आप नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस काउंट कर लेंगे। जब तक ये रुकेगा नहीं तब तक आप स्टॉपवॉच चलने देंगे, और जब तक ये रुकेगा नहीं तब तक आप नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस भी काउंट करते रहेंगे। 25, 26, तो 28th रेवोल्यूशन अब आने वाला है। 28 रेवोल्यूशंस अब हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसके बाद अगर ये हाफ में रोटेट करेगा तो वो हम काउंट नहीं करेंगे। तो हमारा जो टाइम आया 28 रेवोल्यूशंस के लिए वो आया 1 मिनट 14 सेकंड्स। तो आपके जो कंप्लीट रेवोल्यूशंस आए हैं वो आया है 28, और उसके लिए जो टाइम आपके पास आया है वो आया था आपके पास 1 मिनट 14 सेकंड्स। तो जब उसको सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे यानी 60 प्लस 14, दैट विल बी 74 सेकंड्स इन टोटल। तो एक बात आपको यहाँ पे और ध्यान देनी है कि 28 रेवोल्यूशंस के एडिशन में जो हमारा जो रेफरेंस मार्क था वो यहाँ आना चाहिए था, लेकिन इस रेफरेंस मार्क ने कुछ डिस्टेंस एक्स्ट्रा भी ट्रेवल किया है, तो हम इस एक्स्ट्रा डिस्टेंस को भी हमें मेजर करना पड़ेगा। तो उसको हम मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस थ्रेड। तो ये जो आपका रेफरेंस मार्क था यहाँ से आप थ्रेड लगा के इस मार्क तक लेके आएंगे जो आपकी बिल्कुल रेफरेंस मार्क वाले पॉइंट पे आ चुका है, जो पहले आपका रेफरेंस मार्क जहाँ पे था। तो इस लेंथ को अब आप मेजर कर लेंगे मीटर स्केल के ऊपर। तो अब हम मीटर स्केल पे इस थ्रेड की लेंथ को मेजर करेंगे। तो जब हम मेजर करते हैं तो हमारे पास जो लेंथ आ रही है दैट इज 46 सेंटीमीटर। तो ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल किया है इस फ्लाई व्हील ने। तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस आया उसको हम वाई मान लेते हैं। तो वाई की जो फर्स्ट वैल्यू आई आपके पास वो है 46 सेंटीमीटर। तो आपका जो डिस्टेंस ऑफ चौक मार्क यानी कि ये रेफरेंस पॉइंट है फ्रॉम पॉइंटर, यानी कि ये रेफरेंस मार्क
यहाँ पे ना आके ये थोड़ा आगे शिफ्ट हुआ था, तो यहाँ से इस रेफरेंस मार्क तक का जो डिस्टेंस है इस डायरेक्शन में, वो हमने नोट किया विद द हेल्प ऑफ थ्रेड, तो वो हमारे पास आया है 46 सेंटीमीटर। अब हम फ्रैक्शनल रेवोल्यूशन निकालेंगे जिसको हम बी नाम देंगे। तो बी आपका क्या होगा, वाई यानी कि एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो हम ये ट्रेवल किया गया है, अपॉन में एक्स यानी कि सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील जो हमने स्टार्टिंग में निकाला था 62.5 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, 46 को डिवाइड करेंगे 62.5 से, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 0.736। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस जो एन टू की वैल्यू जो आएगी वो आएगी ए प्लस बी। तो ए आपके पास थे ये रेवोल्यूशन जो कंप्लीट रेवोल्यूशन किए गए थे फ्लाई व्हील द्वारा, वो थे 28, प्लस फ्रैक्शनल रेवोल्यूशन भी आप इसमें ऐड करेंगे जो आपके पास आया 0.736, तो आपके पास टोटल वैल्यू आएगी 28.736। तो आप 100 ग्राम वाले वेट के लिए एक और बार यही प्रोसीजर फॉलो करेंगे, एक और रीडिंग आप निकालेंगे। तो जब आप सेकंड रीडिंग निकालेंगे तो हमारे पास जो रीडिंग आई है वो आई है कंप्लीट रेवोल्यूशन आपके पास आए 29, और जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया है यानी कि थ्रेड की जो लेंथ आई है वो आई है 53.5 सेंटीमीटर। तो फ्रैक्शनल रेवोल्यूशन यानी कि वाई डिवाइडेड बाय सर्कमफेरेंस यानी कि एक्स, दैट विल बी 0.856। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस यानी एन टू की जो वैल्यू आएगी वो आएगी ए प्लस बी यानी कि 29 प्लस 0.856 दैट इज 29.85। तो अब हम इन दोनों रेवोल्यूशंस जो हमारे पास आए इनका मीन ले लेंगे। तो मीन वैल्यू ऑफ एन टू आपके पास आएगी 29.31। तो टाइम जो आया था सेकेंड केस में वो भी 74 सेकेंड्स ही आ रहा था, तो टाइम का जो मीन आएगा दैट विल बी ऑल्सो 74 सेकेंड्स। तो आपके पास वैल्यूज आ चुकी हैं। तो फर्स्ट रीडिंग जो आपकी आएगी आई यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, वो आप फॉर्मूले से निकालेंगे। तो लास्ट कॉलम की बात करते हैं जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू निकालेंगे। तो इसमें हम कैलकुलेशन करेंगे। तो आपके पास जो फॉर्मूला मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए, वो था mgrn1t² अपॉन 4πn2 इंटू n1 प्लस n2। तो आपके पास ये सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। तो जब आप इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे तो m की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 100 है, 100 ग्राम। g की वैल्यू आप लेंगे यहाँ पे 980। उसके बाद r जो आपकी रेडियस आई है वो हमने अभी डिटरमाइन की थी मीन रेडियस, तो आपके पास आई है 1.025 सेंटीमीटर। उसके बाद n1 की जो वैल्यू आई है आपके पास वो यहाँ से आएगी 10। और उसके बाद जो आपके पास t की वैल्यू आई है मीन वैल्यू दैट इज 74 सेकेंड्स, अपॉन में आपके पास है 4 × π इंटू n2 आपके पास जो आया है मीन वैल्यू ऑफ n2 दैट इज 29.31 इंटू n1 प्लस n2। n1 आपके पास 10 है, n2 अगेन आपके पास 29.31 है। तो ये सारी वैल्यूज जब आप इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपकी फर्स्ट रीडिंग आ जाएगी आई के लिए 982713.544 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि CGS यूनिट है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के। तो आपकी फर्स्ट रीडिंग आ चुकी है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए। तो आपकी फर्स्ट रीडिंग जो आई है वो 100 ग्राम वेट के लिए आई है। अब ऐसे ही आपको वेट बढ़ाते जाना है। अब आप नेक्स्ट सेक्शन में आप करेंगे 150 ग्राम वेट के लिए एक और आप स्लॉटेड वेट ऐड कर देंगे, उसके बाद आप 200 ग्राम के लिए करेंगे। तो प्रोसीजर आपको सेम फॉलो करना है हर पार्ट में। तो आपके पास तीन रीडिंग्स आ जाएंगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए। तो आपके पास तीन रीडिंग्स आ चुकी हैं, मान लीजिए ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है। तो आप अब फाइनली रिजल्ट में क्या लिखेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फ्लाई व्हील अबाउट इट्स ओन एक्सिस इज I1 प्लस I2 प्लस I3 डिवाइडेड बाय 3, यानी इनका मीन आप ले लेंगे। इन तीनों को प्लस करके आप डिवाइड बाय 3 कर देंगे तो आपके पास मीन वैल्यू आ जाएगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। तो आपके पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ गिवन फ्लाई व्हील अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन जो आएगा इन तीनों का मीन, वो आपके पास आएगा 6295.9.308 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फ्लाई व्हील की कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है एज सच, तो आप इसमें कोई परसेंटेज एरर नहीं फाइंड करेंगे क्योंकि आपका जो अपरेटस है उसकी डायमेंशंस डिफरेंट हो सकती हैं। अलग अलग लैब में आपको अलग साइज का फ्लाई व्हील मिल सकता है। तो आपका जो भी आंसर आएगा दैट विल बी योर फाइनल आंसर। तो आई होप आपको आज का एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा, और इसी तरीके से आप बाकी के प्रैक्टिकल के वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, और इस फाइल का PDF फॉर्मेट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।